अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह करीम हमेशा आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। मैं हूँ आप सबका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम। आप अगर नए हैं प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा का नाम और उसका एहतराम हम पर लाजिम है। हमको चाहिए कि हम खुदा के नाम के एहतराम के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें। मुझे अक्सर ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ कहीं अल्लाह के नाम को बुलंद करने की बारी आती हो या बात होती हो, मैं एक शेर बड़ी खुशी से पढ़ा करता हूँ और समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर सऊदी पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। धीरे धीरे शाम हो रही थी, रात की तारीकी धीरे धीरे दिन के उजाले को तारीकी में अंधेरे में तब्दील कर रही थी। अचानक ये पुलिस वाला कोई चीज़ देखता है कि रास्ते में पड़ी हुई है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। ये पुलिस वाला बराबर तेज़ रफ्तार गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता रहता है और बिलाखिर उस चीज़ तक पहुंच जाता है जहां तक कि इसको पहुंचना था। अब आखिर ये पुलिस वाला इतनी कोशिश क्यों कर रहा है और क्या चीज़ है जिसको उठाने के लिए ये ऐसी तेज़ रफ्तार गाड़ियों को रोक कर बराबर उस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है? यकीनन इस बात को सुनकर ना आपके दिल के अंदर भी एक जज्बा आएगा और आप भी बेसाख्ता इसको अप्रिशिएट करने पर, मुबारकबाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जिस वक्त में ये पुलिस वाला उस चीज़ को उठाता है ना, तो वो सऊदी हुकूमत का झंडा था जिस पर कलिमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। और आखिर ये क्यों ना उठाता, एज ए मुस्लिम फरीजा था इसका कि अल्लाह के नाम की तोहीन हो रही है। झंडे पर कलिमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और एक मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई भी चीज़ के जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है उसकी बेहुरमती हो? यकीनन एक मुसलमान इस बात को जान पर खेल सकता है लेकिन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है। आप तमाम नाज़रीन का इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है और क्या आप भी इस पुलिस वाले को मुबारकबाद देना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप सबका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगले पैगाम के साथ।